हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो। देखो, मॉल कॉन्सेप्ट में जो क्वेश्चन होते हैं वो होते तो बहुत इजी हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये टफ लगता है। तो वो आपको टफ ना लगे उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा एक ट्रिक्स लाया हूँ, और डैट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कुछ बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं, मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें, एटम कैसे निकालें, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये सब निकालने में कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल सा ट्रिक्स लाया है कि आपको मॉलिक्यूल पूछ ले, एटम पूछ ले, इलेक्ट्रॉन पूछ ले, प्रोटॉन पूछ ले, या फिर न्यूट्रॉन पूछ ले, इस टाइप के कुछ भी पूछ ले, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, मोल्स निकाल लेना है। फर्स्ट थिंग मोल्स निकाल लेना है, जिसको मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया कैसे निकालना आपको, ये बहुत ईजी है। मोल्स निकाल लेंगे और मोल्स को एकदम चुपके चुपके मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर से। अगर आपने मोल को एवोगाड्रो नंबर डेट इज 6 × 10³, जो कि कैलकुलेशन को ईजी रखने के लिए हमने 6 ही उसको माना है, तो मोल को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से तो ये आपको मिल गया मॉलिक्यूल्स। ये यहाँ तक आ गया। अब इसके आगे बात बनेगी, अगर मॉलिक्यूल पूछा तो यहीं पे आंसर को करके छोड़ देना है मोल इंटू एन ए करके। अब अगर एटम पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में फिर कितना एटम है तो उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे H2O लेंगे तो H2O में एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो फिर इंटू यहाँ पे 3 हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन पूछा तो आपको ये मल्टीप्लाई रहेगा मोल इंटू एन ए, तो ये इतने मॉलिक्यूल्स हो गए इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। फिर अगेन एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे यहाँ पे अगर काउंट करें तो हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के 8, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इंटू 10 करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन पूछे आपसे तो आपको अगेन क्या करना है, मोल को मल्टीप्लाई कर देना है एन ए से। ये चीज़ें फिक्स होंगी, मोल इंटू एन ए। नाउ एक मॉलिक्यूल में कितने प्रोटॉन है, जैसे इस केस में लूँ तो हाइड्रोजन के 2 प्रोटॉन और ऑक्सीजन के 8, तो यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना, तो मोल इंटू एन ए तो रहेगा ही, इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन में यू नो न्यूट्रॉन होता नहीं है, तो इसलिए वो काउंट नहीं होगा, तो ओनली ऑक्सीजन के न्यूट्रॉन काउंट होंगे और 8 हैं, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर नंबर ऑफ आयंस पूछता तो भी वैसे ही आप मोल को मल्टीप्लाई कर देते एन ए से और इंटू नंबर ऑफ आयंस इन वन मॉलिक्यूल। तो ऑलवेज ये ध्यान दे कि चाहे वो एटम पूछ ले, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आयन, सब में एक ही फंडा है कि मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से इंटू नंबर ऑफ डैट पार्ट जो आपसे पूछा है इन वन मॉलिक्यूल, योर आंसर विल बी आपके सामने होगा। चलिए अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 4.4 ग्राम CO2। क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो कि आपको सिर्फ ऑक्सीजन एटम निकालना है 4.4 ग्राम ऑफ CO2 में। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बोला, मोल्स निकाल लो, तो वो तो निकालना ईजी है। क्या करेंगे, गिवन वेट को डिवाइड कर देंगे उसके मॉलिकुलर वेट से 44 से, तो यू विल गेट 0.1 मोल, आपको 0.1 मोल आ गया। नंबर ऑफ एटम पूछा तो हमने क्या बोला था कि आप 0.1 को मल्टीप्लाई कर देंगे पहले किससे, एवोगाड्रो नंबर 6 × 10³ से, तो ये तो आ गया इतना मॉलिक्यूल। और एटम पूछा है तो वन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का सिर्फ पूछा है, तो ऑक्सीजन के कितने हैं, 2, तो इंटू 2। नाउ कैलकुलेशन भी बहुत ईजी है, ध्यान से देखो, 2 × 6 = 12 हो जाएंगे, इस 6 को और 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएंगे, 12 × 0.1, तो ये 1.2 × 10³ साइंटिफिक नोटेशन में, तो आप देख सकते हो आपका आंसर हो जाएगा ए, वेरी सिंपल। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की, कि नंबर ऑफ सल्फर एटम आपको बताना है, नंबर ऑफ सल्फर एटम इन 0.2 मोल ऑफ एसिड। यहाँ पे आपको मोल दे ही दिया है, तो 0.2 मोल ऑफ एसिड मॉलिक्यूल, तो मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से 6 × 10³, इतने मॉलिक्यूल हो गए, और एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है आप देख सकते हो, 8, तो इंटू क्या करना पड़ेगा, 8, तो आप देख सकते हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 8 × 6 = 48, 48 × 96, तो ये कितना हो जाएगा, 9.6 × 10³।
तो डैट मीन्स योर आंसर विल बी सी। तो देख सकते हो बहुत इजी वे में हम कर सकते हैं, सिर्फ मोल को मल्टीप्लाई कर देना है एवोगाड्रो नंबर से, उसके बाद जो पूछा है एक मॉलिक्यूल में देख लो कि वो कितने, उसको मल्टीप्लाई कर देना। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन 3.6 ग्राम वाटर, 3.6 ग्राम वाटर में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने होंगे। तो पहले अगेन आप मोल्स निकाल लेंगे, तो मोल्स आपको कितना आ जाएगा, 3.6 को डिवाइड कर देंगे 18 से, तो यू विल गेट 0.2 मोल्स। अब आपको क्या बोला था, क्या करना है आपको, 0.2 को मल्टीप्लाई करना है 6 × 10³ से, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इतने मॉलिक्यूल्स, और इनटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन वन मॉलिक्यूल। ध्यान देखिए हाइड्रोजन में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, तो इसलिए दो हाइड्रोजन का तो काउंट ही नहीं होगा। ऑक्सीजन में 8 न्यूट्रॉन हो जाएंगे, तो इनटू 8, तो अगेन इसका भी आंसर कितना आ जाएगा, 8 × 16, 16 × 96, तो 9.6 × 10³। सो योर ऑप्शन विल बी बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को देख करके बच्चे बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि करना क्या है। एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना होगा, अगर ये चीज़ नहीं समझ आ रहा है तो आप डजन से सोचो कि अगर एक डजन में 12 पीस है, 12 पीस का मास आपको सपोज करते हैं कि 50 ग्राम है, तो एक उसमें से एक पीस का कितना मास होगा, तो आप क्या कर दो, 50 को 12 से डिवाइड कर दो। तो वैसे ही यू नो कि 6 × 10³ मॉलिक्यूल अगर मैंने वाटर के लिए, डैट मीन्स वन मोल, डैट मीन्स वन डजन, तो वन डजन में इतना पीस का मास कितना है, 18 ग्राम, राइट। ये तो सबको क्लियर है, जैसे वन डजन आप ले तो उसमें 12 पीस का कुछ मास होगा, तो एक पीस का कितना होगा, तो 12 से डिवाइड। तो वैसे ही विनो कि एने इतने पीसेज का मास कितना है, 18 ग्राम, क्यों, क्योंकि वन मोल हो गया ये, तो एक का पूछा है, तो क्या करेंगे, 18 को डिवाइड कर देंगे 6 × 10³ किस से, 23 से, तो 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, तो ये हो गया 3 × 10⁻²³। ध्यान रहे कि ये तो आपको क्या गया, ग्राम में, लेकिन आपके आंसर किस में है, सब केजी में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको 10³ से और डिवाइड करना पड़ेगा, तो केजी में कितना आ जाएगा, 3 × 10⁻²⁶ kg। सो योर ऑप्शन विल बी ए। नाउ अब जाते जाते एक ज्ञान की बात, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान से सुनना, कि एक क्वेश्चन है कि द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ N2। तो मैं एक नॉर्मल अप्रोच बता रहा हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट करते हैं, कि वन मॉलिक्यूल का मास पूछा है, क्वेश्चन देख करके एग्जाम में खुश हो जाते हैं, और कैसे करते हैं, एकदम प्रॉपर अप्रोच है कि वन मॉलिक्यूल का मास पूछा है, तो वी नो कि 6 × 10³ मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम होगा, इसलिए एक मॉलिक्यूल का 28 / 6 × 10³। फिर उसके बाद इसको कट भी करते हैं वो बराबर शौक से, इधर लेकर के कि 28 को डिवाइड करना है 6 से, तो 6 × 4 = 24, तो ये बच गया 4.0663, फिर 4, फिर ये 0, इस टाइप से, तो उसको लिखते हैं 4.66 × ऊपर चला गया 10³ - 23, तो उसके बाद वो आंसर को ये वाले को टिक करते हैं। ये ऑलमोस्ट कितना भी वो फास्ट करे तो फिर भी 1 से 2 मिनट लेगा। नाउ द स्मार्ट अप्रोच, डैट मीन्स जो मेंस वाले हैं या नीट वाले हैं या सीटी वाले हैं, उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं होता है, उसको ऑलरेडी उसके पास बहुत सारे कैलकुलेटर है, उसको स्मार्ट माइंड की ज़रूरत है कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आया तो आप उसको कैसे अप्रोच कर रहे हो, वो आपके अप्रोच को देखना चाह रहा है। तो उसके लिए ही मैं बता रहा हूँ कि आपको ऐसे प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है, कि वेरी सिंपल, कि हमको एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है, वी नो कि 6 × 10³ मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम होता है, एक मॉलिक्यूल का मास है मतलब बहुत कम होगा, तो पहली चीज़ तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 10³² है। नाउ इन तीनों में अगर बात करें तो इन तीनों में कौन हो सकता है, तो वी नो 10³² से डिवाइड है, ऊपर जाएगा तो 10⁻²³ होगा, तो 10⁻²⁵ भी होना पॉसिबल ही नहीं है। −22 और −23 में एक बन सकते सीन, बट वी नो कि 6 जो है वो
नीचे है और 28 से, क्योंकि जो वैल्यू है इसका मास का जो है वो 6 से ग्रेटर है, 6 से ग्रेटर है तो 10 की पावर कम नहीं होगी, 10 की पावर कम नहीं होगी तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दूसरा ऐसे भी कर सकते हैं यहीं पे एक अप्रोच कि वीनो कि 28 को डिवाइड करना है 6 × 10³ से। अब ये नहीं कि अब इसके पीछे आप इस तरीके से पड़ गए, उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, इसको अप्रॉक्स कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 28 को मैं ले लूँगा 30 और 6 × 10³, इससे क्या फ़ायदा हुआ कि हमारा आंसर आया 5 × 10³ माइनस में, तो 5 के आसपास वाला यही है, ऐसा एक ही ऑप्शन रहेगा, क्योंकि उसको कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, उसको मेनली आपके अप्रोच से मतलब है। तो इसलिए इस ज्ञान की बात को ध्यान दें, और एक वीडियो लेक्चर में मैं पूरा आपको कैसे ऑप्शन से जाना है, कैसे कैलकुलेशन को इजीली टैकल करना है, उसके बारे में आइडिया दूंगा। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और हमारे वीडियो लेक्चर को शेयर करते रहिए। थैंक यू।